आप देखें ना कि इंडोनेशिया को इंडिया अगर चीज़ें बेच रहा है, डिफेंस इक्विपमेंट बेच रहा है, तो आप इमेजिन करें कि व्हाट वुड बी द लेवल ऑफ द कोऑपरेशन एंड द लेवल ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडोनेशिया एंड इंडिया इन दैट। खुलांच हुआ पड़ा आपका मुल्क दिवालिया होने के नहज पर। मैं हमेशा कहता रहा कि डॉलराइज करो, कह रहे अगर डॉलराइज कर दिया तो 170 रुपए का डॉलर हो जाएगा, अभी 280 का हो गया। अब नाच लो गालो, दर्दे डिस्को दर्दे डिस्को। फाइका, आप खुद को सबसे पहले कश्मीरी कहते हो या इंडियन कहते हो? कश्मीर के जो लोग हैं, हम प्राउडली कहते हैं कि वी आर द इंडियंस, एंड हम सबसे पहले लाइक करते हैं कि हम जिसको भी, अगर फॉर एग्जांपल हमारी पहचान जो है, अगर हम कहीं इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, अमेरिका जाएंगे, यूएस जाएंगे, या बहुत सारी कंट्रीज विजिट करेंगे, तो वहां पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि वी आर कश्मीरीज, वहां पे हम ये कहेंगे कि वी आर द रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, बिकॉज कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। अब पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलके जो था वो JF-17 थंडर बनाया, अब वो कोई खरीदते ही नहीं, अर्जेंटीन के साथ हुआ लेकिन वो डील बार मार आ गई। जर्नलिस्ट और मीडिया के लोग हैं जो इमरान खान साहब का साथ दे रहे हैं, और इस किस्म की भी बातें की जा रही हैं कि अगर हेलीकॉप्टर आया तो उसको भी देख लेंगे। और अब ये मैं सुन रहा था एक और यूट्यूबर भी कह रहे हैं ड्रोन हमला होगा इमरान खान के, अबे पागल हो गए हो क्या? और हम जो है वो क्योंकि चाइनीज पार्टनर डिफेंस पार्टनर होने की वजह से हम कुल कला के चीजें नहीं बेच रहे। इधर देखें इंडिया रशिया जो है वो मिलके वो चीजें बेच रहे हैं। यानी ये चाह रहा है कि पाकिस्तान में एक और बांग्लादेश पैदा हो, ये पैगाम दे रहा है ना, उकसा रहा है आवाम को कि बगावत करो। पाकिस्तान के पास एक तरफ पैसा नहीं है, दूसरी तरफ इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन गोइंग एट इट। रशिया के साथ मिलके आप जो है वो इंडोनेशिया को जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स बेच रहे हैं, ठीक है, जो वो इंडोनेशिया जो कि ऑलमोस्ट इस अमेरिकन एलाय। अब जो ब्रह्मोस है आपको मैं बताता चलूँ, ये बेसिकली एक जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया का, और इन्होंने ये समझ लें कि ये इनकी पहली जो है फॉरेन डील है, जो कि सॉरी सेकेंड होगी, क्योंकि ये पहली जो थी इन्होंने फिलिपाइंस को तकरीबन 375 मिलियन के जो शोर बेस्ड एंटी शिप मिसाइल दिए थे। अभी आपको पता है कि भारत के जो वज़ीर आज़म है वो ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि जनाब हम अपनी जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसको उन्होंने $5 बिलियन पर ले के जाना है। दिस इज़ वॉट ही हैज़ बीन सेइंग कि अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट को $5 बिलियन के तौर पर लेके जाना है, और जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो इंडोनेशिया के साथ जो डील चल रही है वो तकरीबन $200 मिलियन की है एटलीस्ट, लेकिन ये $350 मिलियन तक भी जा सकती है। और अब ये आप देख लें कि ये एक बड़ी डेवलपमेंट है फॉर इंडिया। पाकिस्तान जो है, मैं आप देखिए ना, ये जितने भी साउथ ईस्ट एशिया में ममालिक हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया और बहुत सारे ब्रुनाई वगैरह इधर उधर, ये वे सारे इस्लामिक ममालिक हैं, लेकिन पाकिस्तान इनके साथ को अच्छे ताल्लुकात बना के नहीं रखे। उसकी वजह यह है कि हम उन मुल्कों के करीब जाते थे जिन लोगों मुल्कों जो हमें पैसे देते थे। हम मैं बोरोड इकोनॉमी की बात करता हूँ बार बार, क्योंकि हमें तो बार बार यही कहा जाता है जनाब कि पाए ना ए जड़ा मुल्क है, तो सानू रियाल लभेगा, तो यूरो लभेगा, तो डॉलर लभेगा, तो इस वजह से हम उन मुल्कों के करीब नहीं गए। और बेसिकली आज जब हालात इस तरह के पैदा हुए हैं कि पूरी दुनिया इस खित्ते में अपना असर वसू रख रही है, तो हम क्या कर रहे हैं ऐसी जनाब उस पास जा ही नहीं रहे, हमने आँखें बंद की थी। जिस तरह की कहते हैं हमारे मैं ना कि जो बिल्ली को देख के जो कबूतर आँखें बंद कर लेंदे, असी जनाब वो अपनी अखा बंद कर लिया, ऐसे कहने यार है तो आई कोई नहीं। अब पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलके जो था वो JF-17 थंडर बनाया, अब वो कोई खरीदते ही नहीं, अर्जेंटीन के साथ हुआ लेकिन वो डील बार मार आ गई, उनके बजट में वो डील शो हो गई, तो उसमें बरतानिया ने प्रेशर डाला और मुल्कों ने डाला क्योंकि अर्जेंटीना और बरतानिया के मसाइल हैं। फिर एक दो, और हम जो है वो क्योंकि चाइनीज पार्टनर डिफेंस पार्टनर होने की वजह से हम कुल कला के चीज़ें नहीं बेच रहे। इधर देखें इंडिया रशिया जो है वो मिल के वो चीज़ें बेच रहे हैं, अमेरिकन खामोश बैठे हुए हैं। देखिए ये इंडिया वो लिवरेज इंजॉय करता है, इंडिया मुस्लिम वर्ल्ड में भी लिवरेज सारी ले गया, मिडल ईस्ट में वो वैसे करीब हो गया, साउथ ईस्ट एशियन ममालक के साथ वो बिजनेस पार्टनर है, दे डोंट लुक इट फ्रॉम रिलीजियस लेंस, वो मजहबी लेंस में जा ही नहीं रहे क्योंकि उन्होंने पता है यार कारोबार करो, बिजनेस करो, इंडिया को इस लेंस से देखो, और उनको पता है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया को जितना बड़ा हवा और जितनी बड़ी चीज़ अमेरिकन पेश कर रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया में और सारे खित्ते में, तो एवरी कंट्री बेसिकली डिज़ायर्स कि हमारी इंडिया के साथ लेन देन, हमारी लाइन सेट हो। लेकिन देखें इंडिया जो है वो अगर दुनिया की मार्केट में डिफेंस एक्सपोर्ट करेगा, अच्छा
रशिया की कम रशिया के साथ इतिहाद करके आपने ब्रह्मोस एरोस्पेस बनाता है और उससे वो असला भेजता है, अमेरिकन खामोश है, ठीक है जनाब। उधर से अमेरिकन वहां पे दे रहे हैं। सो इंडिया ने अपने आप को इस पोजीशन में रखा हुआ है। इंडिया के अंदर देखिए, एक बंदा आया, उसने 10 साल रूल किया, अगले 5 साल उसको मिल रहा है विद ऑल दैट पावर, दे आर कमिंग एंड दे आर गेटिंग अ क्लैरिटी, उनको पता है कि इस डायरेक्शन में जाना है। पाकिस्तान में क्लैरिटी नहीं है, फिर फौज का अपना किरदार है, एस्टैब्लिशमेंट जिसे आप कहते हैं, वो समझती किसी ने कक नहीं, वो कहती है वट एवर द वर्ल्ड व्यू द पाकिस्तानी पोलिटिकल क्लास दे शुड हैव दैट शुड बी, वो पाकिस्तान की उससे वो उनसे पूछ के चलें या उनके कंसर्न्स को एड्रेस करें, और वो जो उनकी एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है दुनिया के, इंडिया के हवाले से और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से, उसको ज़रूर एड्रेस किया जाए। अभी तो देखें, अभी तो चीज़ें उल्ट हो गई, अभी तो मिलिट्री चाहती है इंडिया से ताल्लुकात ठीक हों। सियासतदान में इमरान खान जो थे, जो कि जिसको फौज ने प्रॉप अप करने में सारा किरदार अदा किया, जिनको बड़ा किया, इस बच्चे को बड़ा किया, वो बच्चा उठ के बड़ा होके जो है ना अपने ही माए बाप को पढ़ गया, उसने कहा कि थोड़ी ऐसी दी तैसी तुसी कौन होंगे, आई विल टेल यू व्हाट इज द, अब वो सारा दिन जो है वो तंगनी का नाचना चाहता है। अदालतें भी इमरान खान से डरती हैं, फौज भी इमरान खान से डरती है, सियासतदान भी डर रहे हैं बिकॉज वो उनको पता है कि ही इज़ पॉपुलर, उसने ये चैलेंज द सिस्टम, उसने सारे सिस्टम को चैलेंज कर दिया हुआ है। सो देर इज़ ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से वही आर बेसिकली द लूजर्स हैं। और इसने फिर सारी बात है, मैं तो समझता हूँ कि इमरान खान तो चाहते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए ताकि वंस फॉर ऑल मैं स्ट्रॉन्गर पोलिटिकल फोर्स के तौर पर इमर्ज करूँगा, द मोर स्ट्रॉन्गर आई विल बी, द मोर पावरफुल आई विल बी, दैट विल बी बेटर फॉर द कंट्री बिकॉज आई विल बी इन अ पोजिशन टू टेक सर्टन लॉन्ग टर्म डिसीजंस एंड आई विल बी इन अ वे। ये चीजें हैं। फाइका, आप खुद को सबसे पहले कश्मीरी कहते हो या इंडियन कहते हो? कश्मीर के जो लोग हैं वो खुद को सबसे पहले एज एन इंडियन इंट्रोड्यूस करवाते हैं या एज ए कश्मीरी इंट्रोड्यूस करवाते हैं? देखिए, अगर कश्मीर इंडिया का पार्ट है, कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, तो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं कि हम इंडियन है या कश्मीरी है। कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, और अगर बात करें एक मोहरा है हमारे सर पे कि वी आर इंडियंस, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कश्मीरी और इंडियन। कश्मीर हमारा कुछ स्टेट है, हमारी कुछ कल्चर है, हमारा कुछ ट्रेडिशन है, वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम कहते हैं, हम प्राउडली कहते हैं कि वी आर द इंडियंस एंड हम सबसे पहले लाइक करते हैं कि हम जिसको भी, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी पहचान जो है, अगर हम कहीं इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, अमेरिका जाएंगे, यूएस जाएंगे, या बहुत सारी कंट्रीज विजिट करेंगे, तो वहां पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि वी आर कश्मीरीज, वहां पे हम ये कहेंगे कि वी आर द रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया बिकॉज कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। सो हम कह सकते हैं कि फिर हमें पूछा जा सकता है लास्ट पे कि आप इंडिया में कहाँ से हो, देन हम कह सकते हैं कि इंडिया में एक यूनियन टेरिटरी आती है जो कि कश्मीर के नाम से जानी जाती है, तो फाइनली हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आपको।